ये ड्यूल कैरिज वे है जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसे। यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि राउंड अबाउट अभी आ रहा है, राउंड अबाउट पे बड़े यहाँ पर बड़े बड़े राउंड अबाउट हैं, लेकिन ऑब्वियसली राइट हैंड ड्राइव में आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर जो आपके राइट से जो ट्रैफिक आ रही है आपने उसको वेट करना है, पहले राइट उनका है, देन आफ्टर दैट यू कैन क्रॉस, यू कैन एंटर राउंड अबाउट। लेकिन अगर आपका राइट क्लियर है तो देन यू कैन एंटर। जैसे अगर आपने फर्स्ट टू एग्जिट लेने हैं तो आपको फर्स्ट टू लेन में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने थर्ड और फोर्थ एग्जिट लेना है तो आपको फिर फर्स्ट लेन में रहना पड़ेगा। और जैसे ही आप लेन चेंज करेंगे अपनी तो आपको सिग्नल देना पड़ेगा। यहाँ पे एक बड़ा वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कहते हैं कि मिरर सिग्नल मनूवर, कि अगर आप कोई टर्न करने लगे हैं तो पहले मिरर में देखें, आपके मिरर में सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई आ तो नहीं रहा पीछे आपके, या मतलब जहाँ पे आप मोड़ना चाह रहे हैं वो आपका लेफ्ट या राइट में अपना मिरर देख रहे हैं कि मिरर क्लियर है, कोई चीज़ पीछे से तो नहीं आ रही। फिर सिग्नल है, सेकंड जो है वो सिग्नल है कि आप सिग्नल दें, ठीक है, और देन आप मनूवर करें, जो आपने मूव करना है या टर्न करना है या जो भी जिस तरह भी है राउंड अबाउट है, तो वो मिरर सिग्नल मनूवर इस तरह करके मतलब चलते हैं। ये है जी मेन ड्यूअल कैरिज वे। यहाँ पर स्पीड 50 माइल है, और जो एरिया यहाँ पे हम गुजर रहे हैं ये है, ये हम कोलनडेल से के पास से गुजर रहे हैं। ये जो रोड है आगे जाके फिर दो रोड में डाइवर्ट हो जाती है, A1 और A41 में। तो आप लोगों को दिखाते हैं इस यही सड़क, अगर आगे जाएंगे तो वो फिर आपको एक साइड जा रही है इधर सेंट्रल लंदन की तरफ और दूसरी साइड जाके वो नॉर्थ सर्कुलर में मिल जाती है। ड्राइविंग का इस तरह होता है यहाँ पे, अगर आपने ड्राइविंग करनी हो, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपने सबसे पहले थ्योरी टेस्ट देना है, कि 17 मिनिमम एज है ड्राइव करने की यहाँ पर लंदन में, यूके में, कि अगर आपकी उम्र 17 है तो आप थ्योरी टेस्ट दे सकते हैं, और थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद फिर आप ड्राइविंग का टेस्ट होता है। ड्राइविंग का टेस्ट जो है वो आपका, यहाँ पे मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी हैं जो गाड़ी सिखाते हैं आपको, ऑलमोस्ट दे चार्ज 25-30 पाउंड पर आवर एक घंटे के गाड़ी सिखाने के, और ऑलमोस्ट इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक 20-40 आवर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ कैपेबल यू आर, के उसमें आप टेस्ट दे दें तो आप फिर पास हो जाते हैं। फिर ऑब्वियसली अब जब गाड़ी जो चलाते हैं लोग, उसके लिए आपको यहाँ पर रोड टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स जो है हर गाड़ी को रोड टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप रोड टैक्स नहीं देते और मिस कर देते हैं तो आपको फौरी तौर पर वो आपकी गाड़ी को क्लैंप कर देंगे और ले जाएंगे बाकायदा। लिहाजा रोड टैक्स जो है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर रोड टैक्स के बाद इंश्योरेंस है गाड़ी की, कि गाड़ी की आप इंश्योर्ड होनी चाहिए। जितनी भी गाड़ियां आप इस रोड पे देख रहे हैं दे आर ऑल इंश्योर्ड, कोई ऐसा नहीं चक्कर के मतलब दे आर नॉट इंश्योर्ड, और दे आर ऑल इंश्योर्ड। तो गाड़ी के लिए रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, और उसके बाद फिर MOT आ जाती है। अगर आपकी गाड़ी नई आप गाड़ी लेते हैं तो उसको MOT की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गाड़ी पुरानी फ़र्ज करें लेते हैं, 2 साल पुरानी गाड़ी हो तो उसमें MOT की ज़रूरत है, MOT के बगैर आप गाड़ी चला नहीं सकते। तो इस तरह करके MOT है, इंश्योरेंस है और रोड टैक्स है, ये 3 चीज़ें आप लोगों को
अगर आपने गाड़ी चलानी है तो आपको ये तीन चीजें आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू पार्किंग का है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पार्किंग के लिए आपको कोई जगह ढूंढना, इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज हियर। यहाँ पे पार्किंग मॉल्स भी बने हुए हैं हर शॉपिंग मॉल के साथ, हाई स्ट्रीट में भी पार्किंग प्लेसेस हैं। तो आप अपना ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लें तो आप ऑनलाइन ही पार्क कर सकते हैं। वैसे आप टिकट मशीन्स भी हैं जहाँ से आप कॉइन्स डालें या कार्ड से पे करें तो आपको टिकट मिल जाती है पार्किंग फॉर लाइक एज लॉन्ग एज यू वांट, फॉर 15 मिनट्स से हाफ एन आवर और ऑनवर्ड, आप जितना भी देर तक पार्क करना चाहें आप पार्क कर सकते हैं। ये इस वक्त हम हैंडन में हैं जहाँ पे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बिल्कुल ऑलमोस्ट 5 मिनट के फासले पर मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है। मैं बेसिकली मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के लिए लंदन आया था और मास्टर करने के बाद फिर बस एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के बाद फिर बस वापस ही नहीं जा सके, बस यहीं पे रह गए हैं। तो ये है हैंडन सेंट्रल है। ये जो बारो है वो ब्रेंट बारो नहीं है, ये है बार्नेट बारो है। यहाँ पर मतलब ज़्यादातर जो कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी जो है बारो में वो ज्यूइश कम्युनिटी है बार्नेट में, और उसके बाद फिर यहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं काफ़ी सारे, फिर यहाँ पे इंग्लिश पीपल भी यहाँ पे रहते हैं, तो इस तरह मिक्स है लेकिन मेजॉरिटी दे आर ज्यूइश पीपल। तो अभी आगे चलते हैं। जो मेन एरियाज हैं बार्नेट के वो हैं गोल्डर्स ग्रीन है यहाँ पे बार्नेट में, बार्नेट है इटसेल्फ, फिर फिंचले बड़ा पॉपुलर एरिया है, और बार्नेट के जो स्कूल हैं ये बहुत पॉपुलर हैं, वेरी वेल नोन स्कूल्स जो बार्नेट बारो में हैं। कुछ ग्रामर स्कूल हैं, कुछ वैसे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो वेरी वेरी पॉपुलर स्कूल, उनके कैचमेंट के लिए लोग यहाँ पर मूव हो जाते हैं इस बारो में, they started living permanently to get admission for their children. तो इस तरह ये बार्नेट बारो काफ़ी for last few years they are you know lots of development, यहाँ पर projects हो रहे हैं। आप देखेंगे कि ये better है ब्रेंट से। आगे सीधी ये सड़क जो है वो जाती है फिंचले जाती है, फिंचले के बाद सेंट जॉन्सवुड आ जाता है, स्विस कॉटेज सेंट जॉन्सवुड, फिर उसके बाद ये सेंट्रल लंदन मार्लीबोन में चली जाती है। तो ये भी सेंट्रल लंदन ही को जाती है ये सड़क, बेकर स्ट्रीट और ये सारे आगे फर्दर ये डबल डेकर बसेज हैं, ये 3 लेन्स हैं। यहाँ पे मिनिमम जो स्पीड है वो 50 माइल्स है, कैमरे लगे हुए हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख नहीं सकते लेकिन ये है ब्रेंट क्रॉस है यहाँ पे, मैंने उसकी वीडियो भी लगाई हुई है। अगर आपने ब्रेंट क्रॉस देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके ब्रेंट क्रॉस की वीडियो देख सकते हैं। तो ये हम A406 से गुजर के आए हैं जिसे नॉर्थ सर्कुलर कहते हैं, वहां से गुजरे हैं अभी। तो नाउ वी आर इन, अभी हम आ रहे हैं इस वक्त क्रिकलवुड में हम एंटर हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है यूके की हिस्ट्री में कि गाड़ियों की प्राइसेस जो उनकी है ना वो बहुत हाई हैं इस वक्त, अदरवाइज गाड़ियां काफ़ी चीप होती हैं यहाँ पे, लेकिन अभी सप्लाई चेन में कोई इशू है, चाइना से जो हैं पार्ट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल उनके पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आ नहीं रहे,
और नई गाड़ियां बन नहीं रही, तो इस वजह से यहाँ पर गाड़ियों की जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें उनकी कीमत जो थी बढ़ गई है। और दूसरी वजह है उसमें कीमत बढ़ने की कि वहाँ पर ये डीजल गाड़ी को बैन कर दिया लंदन में। आप डीजल गाड़ी, मैं आपको बता रहा था कि डीजल गाड़ी नहीं आप चला सकते। यूरो 5 के कुछ मॉडल्स हैं जो 2015 से पुराने मॉडल हैं डीजल के, जो यूरो 5 या जिनकी एमिशन हाई है, तो वो गाड़ियां आप यहां पर चला नहीं सकते लंदन में नॉर्थ सर्कुलर के अंदर। आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि गाड़ी के लिए जो है ज़रूरी है कि आप रोड टैक्स, MOT और उसके साथ साथ इंश्योरेंस, इसके बगैर आप यहाँ पर गाड़ी नहीं यूके में चला सकते। बल्कि यूके में क्या, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में आपके लिए गाड़ी आप नहीं चला सकते। और इसके अलावा जो इश्यूज हैं उनमें मेजर इश्यू जो है वो आ जाता है पार्किंग का, कि पार्किंग वेरी एक्सपेंसिव है और अवेलेबल भी नहीं है। बाज़ का तो आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ती है और इट्स वेरी टफ पार्किंग जो है वो उसे डील करना। फिर गाड़ी अगर कोई ऐसी ले ली है आपने जो मतलब ठीक नहीं है, जो उसका मतलब इंजन का कोई इश्यू आ जाता है, कोई उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फिक्स इट हेयर। शायद एक्सपेंसिव ना भी हो लेकिन जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये आ जाती है कि आप यू कैन नॉट फाइंड रिलायबल मैकेनिक्स। आपके जितने भी मैकेनिक्स हैं वो समहाउ द अदर वो बड़े मतलब दे कैन नॉट फिक्स एनी कार आप ले आए, लेकिन मतलब उनके लिए वो क्लेम तो यही करते हैं कि वी फिक्स इट, बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट दिस एक्सपीरियंस दैट दे कैन नॉट फिक्स, यू नो द वे फैक्ट्री में जिस तरह फिक्स करते हैं, इट्स असम्बल्ड और फिक्स एवरीथिंग प्रॉपरली, दे कैन नॉट फिक्स हेयर, यू नो इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ लाइक दे कैन नॉट, यू नो आपसे पैसे भी ले लेंगे और फिर झूठ भी बोलेंगे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है दे कैन नॉट फिक्स इट प्रॉपरली। तो इस वजह से गाड़ी, आई सजेस्ट कि आप गाड़ी या तो नई ले लें, इट्स मोर लाइक यू नो मैनेजेबल, स्पेशली इफ़ यू आर बिजी वर्किंग। लेकिन अगर आप कोई पुरानी गाड़ी लेते हैं तो इट्स रियली टफ, इट्स वेरी यू नो हैक्टिक क्या है कि जब आपके ख़ास तौर पर कोई मैकेनिकल इशू आ जाता है देन इट्स अ प्रॉब्लम। सेफ्टी वाइज यहाँ पर रूल्स हैं, आप मतलब स्पीड लिमिट है यहाँ पे, आप स्पीड लिमिट को से ओवर नहीं, क्रॉस नहीं कर सकते। आपकी जैसे छोटी स्ट्रीट्स में आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसका 30, जो मेन जो रोड्स हैं, जो थोड़े बड़े रोड हैं उन पे 30 की स्पीड है मैक्सिमम, 30 miles per hour की। फिर उससे भी जो छोटी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वहाँ पे 20 miles per hour की स्पीड है। तो इसी तरह अगर आप ड्यूअल कैरिज वे में, जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा था पहले, आपने देखा मुझे, वहाँ पे 50 mile है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 40 miles की स्पीड है, और मुख्तलिफ जगहों पे कैमरे भी लगे हैं कि वो स्पीड को वॉच कर रहे हैं, स्पीड कैमराज हैं, अगर आप ज़्यादा स्पीड से गुजरेंगे तो वो आपकी तस्वीर ले लेंगे। तो वो फिर उससे ये है कि आपको टिकट भी आएगी और आपके पॉइंट्स भी लग जाएंगे। अगर आप गाड़ी, आपको स्पीडिंग में आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसमें आपको वो टिकट भी लग जाती है और पॉइंट्स भी आपके लाइसेंस पर लग जाते हैं। और इसी तरह अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हैं, वो भी पकड़ लेते हैं, वो भी यहाँ पर आप इनको डॉज नहीं कर सकते। यहाँ पर मुख्तलिफ एंट्रेंसेस पे, मे बी छोटी स्ट्रीट्स पे आप मे बी यू जस्ट यू नो यू कैन मैनेज सर्वाइव यू नो, बट आई मीन आप अगर कहीं भी मेन रोड पे आएंगे तो ये इनके पास कैमरेज हैं, इनके पास हर चीज़ लगी हुई है यहाँ पे, आपको दे इमीडिएटली दे फाइंड आउट कि आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी है। और इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चलाना क्रिमिनल ऑफेंस है यहाँ पे, इट्स नॉट अ सिविल ऑफेंस कि आपको टिकट दे देंगे और आपकी, लेकिन इंश्योरेंस के बगैर जो गाड़ी चलाना है दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो उसमें आपको आपको टिकट भी मिलेगी, आपको कोर्ट का केस भी चलेगा आपका, और इन केस अगर आप मतलब
आपको फाइन भी हो सकता है, और अगर आप अटेंड नहीं करते हियरिंग तो आपको प्रिजन भी हो सकती है। तो ये काफ़ी यहाँ पर रूल्स वगैरह काफ़ी इन्होंने रखे हुए हैं, और उससे ये है कि एक्सीडेंट भी कम होते हैं यहाँ पे। स्पीड ऐसी रखी है कि खुदा ना खास्ता अगर 30 माइल से अगर किसी को आप किसी आदमी को हिट भी करते हैं तो वो ही कैन सर्वाइव, सस्टेन कर लेता है, इंजरीज इतनी सीवियर नहीं होती अनलेस अनटिल आप 30 माइल्स पे नहीं है। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो फिर देन ऑब्वियसली आपको मतलब ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलें जनाब, आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आप लोगों के से इजाज़त मांगते हैं, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अपने गिरदनुमा का ख्याल रखें। आप अगर लोगों का ख्याल रखेंगे, इस रेसिप्रोकल जेस्चर, यू नो, अगर आप लोगों का ख्याल रखेंगे, इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद अदर तो लोग भी आपके साथ ऑनेस्ट होंगे, आपको जो मिलेंगे लोग वो भी ऑनेस्ट मिलेंगे। लेकिन इफ़ यू आर क्रूकेड और ट्राई टू बी विकेड, यू नो, तो फिर आपके साथ भी उसी तरह के लोग आपको मिलेंगे। ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।